सुखपुरी में अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस जिला प्रवक्ता शाहरुख मिर्जा और पूर्व महामंत्री कादर बैग यूथ कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष शाहिद खान सदर वाहि शाह और सुखपुरी के रहवासियों द्वारा सज्जन सिंह वर्मा और कांति लाल बूरिया का पुष्पमाला से किया गया स्वागत। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीति का समर्थन लेने में जुट गए और हाल ही में बीजेपी के विकास और जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी। इसके जवाब में कांग्रेस मंगलवार को जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। इसी की तैयारियों को लेकर सोमवार को सुबेशी हॉस्पिटल परिसर में पत्रकार वार्ता रखी गई और यात्रा प्रभारी कांति लाल भूरिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि बेरोजगारी घटाने तथा महिला दलितों के खिलाफ अपराध से निपटने में विफल रही है। भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर RSF और RSS प्रमुख मोहन भागवत के एजेंडे पर काम करते हुए देश का इतिहास संविधान बदलने का गंभीर आरोप लगाया। नेताओं ने कहा जन आक्रोश रैली के माध्यम से भाजपा सरकार की नाकामी जनता को बताएं। सनातन को लेकर कहा, क्या कहा? मैंने स्टालिन के बयान को लेकर भी कहा, मैंने तो जो अभी चल रहा है इस देश में नरेंद्र मोदी कहा, वो RSS का एजेंडा जो इस देश में चल रहा है, ये लोग समझ ही नहीं पाए। कर्नाटक के चुनाव में इन्होंने जय बजरंग बली करा, पर जनता समझ गई कि धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करने वाले लोग हैं, इनका निर्माण और विकास से कोई मतलब नहीं। अब 5 राज्यों के चुनाव सनातनी सनातनी, मेरा ये कहना है कि महात्मा गांधी से बड़ा सनातनी हुआ है कि देश में जिसकी छाती पे नाथुराम गोडसे से लोग 3 गोली मारते हैं तब भी जमीन पे गिरते वक्त हे राम हे राम हे राम, तुम गोडसे के वंशज लोगों तुम सनातनी हो कि हम महात्मा गांधी के वंशज सनातनी, इन 5 राज्य की जनता बता देगी। इंडिया गठबंधन ने 14 एंकर्स को बहिष्कार किया है, उसको लेकर बात। देखिए यही तो गलतफहमी हुई, 14 एंकर का बहिष्कार नहीं किया, उन विषयों का बहिष्कार हम कर रहे हैं जो इस देश में विद्वेष फैलाते हैं, जो धर्म को आपस में लड़ाने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम जाति पाति मंदिर मस्जिद की जो सब्जेक्ट हैं उन पे जाने से मना किया है कि इस देश में विकास की बात करो, नौजवान की बेरोजगारी है उसे कैसे दूर होगी उस पर बात करो, इस देश में महंगाई कैसे दूर होगी उस पर कोई डिबेट कराने को तैयार नहीं है, वो तब आप लोग जाइए। ये बात अमरनाथ प्रदेश में किस तरह से आप जैसे प्रदेश में किस तरह से कितनी सीटें आएगी आपकी? 150 से ऊपर आएगी। जनता का जो बॉडी लैंग्वेज है, मध्य प्रदेश की जनता ने 14-15 महीने का कार्यकाल जो कमलनाथ जी का था, साफ सुथरा और बड़ा अच्छा, एक नई परिभाषा राजनीति कमलनाथ जी ने रखी थी, वो लोगों को पसंद आई है। तो वो चाहते कि कमलनाथ की सरकार बने इतनी बम्पर मेजोरिटी के साथ कि कंफर्टेबल मेजोरिटी। इंडिया गठबंधन की रैली कराने के लिए कमलनाथ जी ने मना कर दिया, भोपाल में हम नहीं करा रहे हैं, क्या कारण है उसका? क्या है ये इलेक्शन स्टेट है, यहाँ पे अभी कांग्रेस टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाई है, बीजेपी ने 39 टिकट डिक्लेयर कर दी है। इस समय यहाँ वर्कलोड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पे बहुत है और ऐसे में यदि हम इन बातों पे ध्यान देंगे, हमारे पास सारी, हमें तो हर स्टेट में रैली करना, इंडिया गठबंधन की रैली तो हर स्टेट में करना, चुनाव होने के बाद सरकार बन जाएगी, आओ 4-5 लाख लोगों के बीच में आपकी रैली करेंगे। आपने जिस तरह का कहा कि 150 सीटें आएगी आप दावा कर रहे हैं, लेकिन ये एक महीने पहले तक स्थिति थी, लेकिन आज लाडली बहना को जो पैसा पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री, उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा की मजबूत हुई है आम जन में, विशेष करके जो 40-50% महिलाएं बोलती है उनमें एक भाजपा के प्रति रुझान बढ़ा है, क्या लगता है ये कहीं ना कहीं चुनौती रहेगी योजना कांग्रेस के लिए? आपका सर्वे हो सकता है, हमारा सर्वे चला, हमारे प्रदेश की बहनें समझती हैं 65-70% आबादी गांव में निवास करती है, यहाँ के 27 लाख किसानों का कर्जे हमने दमदारी से माफ़ करके दिखाया है, फिर हम अपने एजेंडे में हमारे वचन पत्र में बाकी किसानों का और कर्जा माफ़ करने की बात है। आप महंगाई, आपने मेरी बेचारी महिला की जेब से 2,000-2,500 रुपये तो हर महीने पहले निकाल ले, महंगाई का दाल महंगी, तेल महंगा, हर चीज़ महंगी है, डीजल पेट्रोल महंगा है, तो ये बात हम समझाने निकलेंगे ना,
यही बात तो हम जन आक्रोश रैली में अपनी बहनों को बताएंगे कि आपका आवास छीन लिया और नकली आवास लेके आ रहा है। लाडली बहना आवास क्या प्रधानमंत्री आवास से बड़ा है क्या? कहाँ गई वो योजना? इसलिए कि इन चोरों ने पैसा जने कहाँ गायब कर दिया, 4,00,000 करोड़ के कर्ज में डुबो दिया। ये शर्म की बात है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कि केंद्र की योजना की मैचिंग ग्रांट जमा नहीं करा पा रहा है, जो 40% जमा कराना था, अब ये नकली योजना लेकर आया है लाडली आवास। ये हम समझाने निकलेंगे और हमारी बात बहनें मानेंगी, उसके पति की बात हमारी बहनें मानेंगी, जिसका कर्जा हम